हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ मैक्रम झूमर का ये डिजाइन शेयर करने वाली हूँ। आई होप आपको ये डिजाइन जरूर पसंद आएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, साथ ही बेल बटन प्रेस कीजिए ताकि आने वाली नई वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुँच सके। तो चलिए शुरू करते हैं इसको बनाने का तरीका। इसके लिए मैंने क्रीम और रेड कलर की मैक्रम ली है और 1 इंच का हुक लिया है और 5 इंच का राउंड रिंग एक लिया है और 2 10 इंच के राउंड रिंग लिए हैं और रेड और व्हाइट के कॉम्बिनेशन के बीड्स और बेल्स लिए हैं। एज यूजुअल लाइटर और सीजर। सबसे पहले हम 3-3 मीटर की 8 कोर कट करेंगे, 4 क्रीम कलर की और 4 रेड कलर की, और उन सभी को इस तरीके से डबल करते हुए हम हुक में फिक्स कर लेंगे और ये हम हमारे झूमर की जो हैंडल होता है स्टार्टिंग है वो बनाना शुरू कर देंगे। उसके बाद हम इन्हीं के कोर्ड्स के साइड में से एक एक कोर्ड उठाएंगे और सभी कोर्ड्स को सेंटर में रखते हुए सिंपल स्क्वायर नोट लगा लेंगे। पांच सिंपल स्क्वायर नोट लगाने के बाद हम 4 रेड कोर्ड्स उठाएंगे और सिंपल स्क्वायर नोट वाली चेन बनाएंगे। इस तरीके से हम सिंपल स्क्वायर नोट लगाते जाएंगे और एक चेन में हम 10 नोट लगाएंगे और सभी कोर्ड्स की 1 बाय 1 करते हुए हम चेन बना लेंगे। चारों चेन कंप्लीट करने के बाद हम इसमें 5 इंच का राउंड रिंग है वो फिक्स करेंगे। सभी कोर्ड्स को हम 1 बाय 1 करके रिंग के ऊपर से डबल क्रॉस करेंगे और इस रिंग को इनमें फिक्स कर लेंगे। रिंग को अटैच करने के बाद हम इसमें 16 यानी के 16 कोर्ड्स अटैच करेंगे, 8 रेड कलर की और 8 क्रीम कलर की, और इस तरीके से हम एक गैप में 2 रेड कलर की और 2 क्रीम कलर की इस तरीके से फिक्स करेंगे और सभी कोर्ड्स को 1 बाय 1 करके सभी गैप में कलर वाइज यानी के कलर के अकॉर्डिंग हम इसमें अटैच कर देंगे। जैसे हम क्रीम के साथ रेड, फिर क्रीम, फिर रेड, फिर क्रीम, इस तरीके से 4-4 कोड कलर वाइज हम असेंबल कर लेंगे और इस रिंग को फिक्स कर लेंगे। उसके बाद हम सिंपल स्क्वायर नोट लगाना स्टार्ट करेंगे। सिंपल स्क्वायर नोट हम यहाँ पे 3 राउंड लगाएंगे। तीनों राउंड कंप्लीट करने के बाद हम इनकी फिर से चेन लगाएंगे
और चेन हम इसमें थोड़े अलग डिजाइन के लगाएंगे। ऊपर हमने सिंपल स्क्वायर नोट को हमने बिल्कुल साथ साथ लगाया था, और इस चेन में नीचे वाली हम एक इंच का गैप देते हुए फिर सिंपल स्क्वायर नोट लगाएंगे। देखिए आप देख सकते हैं, पहली जो सिंपल स्क्वायर नोट है उसमें हम एक इंच का गैप देंगे, फिर सिंपल स्क्वायर नोट लगाएंगे, फिर से गैप देंगे, फिर से सिंपल स्क्वायर नोट लगाएंगे, और एक चेन में हम तीन तीन नोट हम इस तरीके से लगा लेंगे और सभी जो ये कोर्स है हमारी ऐसी ही चेन बनाकर तैयार कर लेंगे। सभी चेन कंप्लीट होने के बाद हम इनमें 10 इंच का राउंड रिंग फिक्स करेंगे। सेम इसी तरीके से फिक्स करना है, जैसे हमने ऊपर वाला अटैच किया है वैसे ही इसको भी अटैच करके फिक्स कर लेंगे। रिंग को अटैच करने के बाद जो ये हमारी चेन है सेंटर वाली, उनको दो दो एक साथ कर लेना है, जैसे कि एक रेड और एक क्रीम, और उसमें जो गैप है उसमें हमारा एक गैप में तो हम 4 रेड कलर की कोड अटैच करेंगे और दूसरे गैप में हम 4 क्रीम कलर की, और 1 by 1 करके सभी जो ये हमारा गैप है चारों तरफ का रिंग का उसको कवर कर लेंगे। कलर हमें इसी तरीके से बनाना है कि एक गैप में 4 कोड हम रेड कलर की अटैच करेंगे और एक गैप में हम 4 कोड क्रीम कलर की अटैच करेंगे। उसके बाद हमारा सेंटर वाला डिजाइन है वो बनाना स्टार्ट करेंगे। 12 क्रीम कलर की कोर्स हम उठाएंगे और सिंपल स्क्वायर नोट लगा लेंगे। 3 सिंपल स्क्वायर नोट हम इसमें लगाएंगे और जो हमारा सेकंड राउंड है इसका, उसमें हम 2 सिंपल स्क्वायर नोट लगाएंगे, साइड से 2-2 कोर्स छोड़ देंगे और 2 सिंपल स्क्वायर नोट लगा देंगे। उसके बाद फिर से जो तीसरा राउंड हमारा आएगा उसमें भी साइड से 2-2 कोर्स छोड़ देंगे और 1 सिंपल स्क्वायर नोट हम जो हमारी तीसरा राउंड है उसमें लगेगी। ये देखिए ये हमारा दूसरा राउंड है, उसमें हम 2 सिंपल स्क्वायर नोट लगाएंगे और तीसरा है जो उसमें 1 सिंपल स्क्वायर नोट लगाएंगे। उसके बाद साइड से हम एक कोड उठाएंगे और हाफ कोर्स की 1 by 1 करते हुए डबल पाइपिंग लाइन हम इस तरीके से बना लेंगे। ये देखिए सभी कोर्स को ऊपर वाली फर्स्ट कोड के ऊपर 2-2 बार रैप करते जाना है हाफ कोर्स को, और दूसरी साइड से भी हम फर्स्ट वाली कोड उठाएंगे और ऐसे ही पाइपिंग लाइन बनाएंगे। उसके बाद हम जो ये सेकेंड वाला जो हमारा कोड है क्रीम कलर का, उसमें हम 10 इंच की कोर्स को इस तरीके से डबल करके फिक्स करेंगे और पाइपिंग लाइन हम बना लेंगे। हाफ कोर्स पर ही बनानी है क्योंकि दूसरी लीफ है जो हमारी पत्ती है दूसरी साइड से बनेगी, और इस तरीके से हम जो हमारी फोर्थ कोर्ड है उसमें एक पाइपिंग बनाएंगे और एक्स्ट्रा कोर्ड को कट कर देंगे और बैक साइड में चिपका लेंगे। उसके बाद जो हमने फर्स्ट वाली कोर्ड छोड़ी हुई है उसके ऊपर हाफ कोर्ड की पाइपिंग लाइन इस तरीके से बना लेंगे और सेम यही डिज़ाइन हम दूसरी साइड भी कंप्लीट करेंगे। We'll be right back.
दोनों साइड से कंप्लीट होने के बाद हम सिंपल स्क्वायर नोट लगाएंगे और उसके बाद जो सिंपल स्क्वायर नोट की साइड वाली कोर्ड है उसको उठाएंगे और उसके ऊपर हाफ कोर्स की इसी साइड वाली पाइपिंग लाइन बनाना स्टार्ट कर देंगे और सेम उसी तरीके से वही प्रोसेस रहेगा हमारा। 10 इंच की कोर्ड हम रेड कलर के लेंगे और इन कोर्ड में हम फिक्स करेंगे और पाइपिंग लाइन बनाएंगे और उसके बाद दूसरी साइड भी यही प्रोसेस रहेगा और इस फ्लावर को बनाकर हम कंप्लीट कर लेंगे। चारों पत्तियां कंप्लीट होने के बाद सेंटर से हम कोर्ड उठाएंगे और सिंपल स्क्वायर नोट लगाएंगे। उसके बाद सेकंड राउंड में 2 सिंपल स्क्वायर नोट लगाएंगे, फिर हम तीसरे राउंड में 3 सिंपल स्क्वायर नोट लगाएंगे और ये हमारा डिजाइन कंप्लीट हो जाएगा। सेम इसी तरीके से रेड वाली कोर्ड्स में भी हमने ऐसा ही डिजाइन बनाना, उसमें हम रेड की जगह पे क्रीम कलर की कोर्ड की सेंटर में पाइपिंग लाइन बनाएंगे और क्रीम कलर की पत्तियों का डिजाइन उसमें बनाएंगे। फर्स्ट वाले 2 डिजाइन कंप्लीट करने के बाद हम उनके साइड में इस तरीके का डिजाइन बनाएंगे। जो हमारी 2-2 चेन है रेड और क्रीम वाली, उनकी कोर्ड्स की हम सेंटर वाली कोर्ड उठाएंगे और साइड वाइज पाइपिंग लाइन बनाएंगे। ये देखिए इस तरीके से रेड वाली एक साइड और क्रीम वाली एक साइड, हाफ हाफ पाइपिंग लाइन हम इस तरीके से सभी कोर्ड्स की बना लेंगे और उसके बाद जो हमारी सेंटर वाली कोर्ड्स हैं 2 एक साइड रखते हुए 2 सेंटर में और 2 दूसरी साइड से रखते हुए हम सेम उसी तरीके से सिंपल स्क्वायर नोट लगा लेंगे और उसके बाद सेम वैसी ही पाइपिंग लाइन बनाएंगे जो हमने ऊपर बनाई है हाफ कोर्ड। झूमर के इन डिजाइन को कंप्लीट करने के बाद उसके बाद हम 1 और 10 इंच का राउंड रिंग इन सभी कोर्ड्स में नीचे फिक्स करेंगे और 1 by 1 करके ऐसे ही अच्छे से अटैच कर लेना है जैसे हमने ऊपर वाला इसमें अटैच किया है।
उसके बाद हम नीचे बची हुई कोर्ड्स की कटिंग करेंगे। सबसे पहले हम दो कोर्ड्स 3 इंच की कटिंग करेंगे और उसके बाद उन कोर्ड्स के दोनों साइड में हम हाफ हाफ इंच कोर्ड्स को बढ़ाते हुए कट करते जाएंगे। दोनों साइड में इक्वली दो दो कोर्ड उठाएंगे और हाफ हाफ कोर्ड उन दो कोर्ड से एक्स्ट्रा बढ़ाते जाएंगे। जैसे हमने ये वाली हाफ इंच एक्स्ट्रा कट की है तो नेक्स्ट वाली हम उससे भी हाफ इंच एक्स्ट्रा कट करेंगे और सेम इसी तरीके से जो हमारा झूमर है उसके कंप्लीट साइड्स की कोर्ड्स को हम इसी तरीके से कट कर देंगे हाफ हाफ इंच एक्स्ट्रा लेते हुए। दोनों साइड में इक्वली हम 24 कोर्ड्स आएंगी और ऐसे ही हम एक्स्ट्रा कट करते जाएंगे और उसके बाद बीट्स और बेल्स को फिक्स करने के बाद इस झूमर का लुक और डिज़ाइन कुछ इस तरीके से दिखेगा। अगर आपको ये डिज़ाइन पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट।